गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टी एस ट्रेडिंग एंड शेयरिंग। तमिल व्यूवर्स एलार्क वणक्कम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिक्स बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स एंड फाइव शॉर्ट टर्म स्टॉक्स। आज के वीडियो को और आज के स्टॉक्स को जानने से पहले कहना चाहूँगा दोस्तों कि फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप फायर्स के साथ भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर एलिस ब्लू के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, आपको इंट्राडे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसमें ₹15, एलिस ब्लू में ₹15 में आप एक ट्रेड को ले सकते हैं, जहां कि अदर डिस्काउंट ब्रोकर आपको ₹20 लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आगे आप देखने वाले हैं और जो स्टॉक्स या उनके लेवल्स देखने वाले हैं, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। और जो स्टॉक्स मैंने आज ट्रेड के लिए दिए थे कल, उनके बारे में थोड़ा देख लें उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो जैसा कि टाइटन हमने आपको आज के ट्रेड के लिए दिया था और कल भी हमने इसे ट्रेड किया था, तो कल इसने हमें 70-75 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया था, आज इसने 80 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है। वोल्टास कल भी हमें 35-40 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया था, आज हमें 70 पॉइंट्स का दिया है। टाटा स्टील हमें 12-45 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है। ग्रासिम ने हमें 11-40 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया। HDFC ने हमें 26 का प्रॉफिट दिया है। सो ओवरऑल सभी मोस्टली हमारा बहुत अच्छा टारगेट गया है फ्रेंड्स। चलिए आइए चलते हैं आज के जो स्टॉक्स हैं हमारे, उन पे आज चर्चा कर ले और उनके लेवल्स देख ले। सो सबसे पहले हमारा इन्फोसिस का चार्ट लगा है दोस्तों, 15 मिनट्स का। हम इन्फोसिस को चुन कर लाए हैं आपके लिए, जिसे हम कल ट्रेड करना चाहते हैं। और इसमें आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, किसने क्लोजिंग जो दी है वो 1757 के दी है, और इसने पूरा का पूरा ये आपको डाउन ट्रेंड ही दिखाया है। ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड का दिखाया है, ठीक है। ये एक्चुअली कल मैंने आपको यूट्यूब वाले सेशन पे नहीं डाला था, ये प्रीमियर सेशन के लिए था। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, डायरेक्टली इसमें लाइन के नीचे, रेड लाइन के नीचे इसमें डायरेक्टली आपको बनता हुआ कैंडल दिखेगा। ओपनिंग वहाँ से हुई है और फिर ये इसने बहुत ही अच्छा दिया है। टोटल इसका प्रॉफिट औसम है, देखने लायक है फ्रेंड्स। आप जैसा कि देख पा रहे हैं 1813 के बाद ये डाउन होते होते आपको जो ओवरऑल इसने दिया है क्लोजिंग, वो दिया है आपको लगभग 1750 का। सो फ्रेंड्स, कहना यही है कि आप इसके ट्रेंड को देखें। अभी ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, कुछ दिन पहले ये आपको अप ट्रेंड में था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कुछ दिन पहले ये अप ट्रेंड में था, अभी ये आपको थोड़ा सा रेंज बाउंड हुआ, फिर उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में आ गया। सो यहाँ पर ये मूवमेंट बहुत है इस शेयर में, सो इंट्राडे में यही होना भी चाहिए। सो यहाँ पर हम इसे फिर से लेकर आए हैं और हम इसे ट्रेड करने वाले हैं। आइए इसके लेवल डिस्कस कर ले। इन्फी का जो लेवल होगा वो होगा आपको 1747 के करीब हम इसे सेल करेंगे और इन अराउंड 67 ये रहा फ्रेंड्स आपका, ठीक है। ये हमारे लिए लेवल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सो हमारा बाइंग का एंट्री लेवल होगा 1767 का और हमारा सेलिंग लेवल होगा 1747 का। हम इसे 10 पॉइंट्स स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे और हमारा टारगेट होगा 10-15 पॉइंट्स का।
सो हमारा दूसरा जो शेयर आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, हमारा दूसरा शेयर है इसमें टेक महिंद्रा का। सो टेक महिंद्रा को हम देखेंगे फ्रेंड्स कि टेक महिंद्रा हमें ट्रेड के लेवल्स क्या होंगे टेक महिंद्रा में, और हमें यह किस तरीके से ट्रेड करने के लिए मिलता है कल। सो टेक महिंद्रा एक्चुअली बहुत दिन से हम इस पर ट्रेड करते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना के दे भी रहा है। जैसा कि इसका आप चार्ट पैटर्न देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न रहा है, और हमारा जो इसमें लेवल निकल के आएगा फ्रेंड्स वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। इसमें हमारा लेवल आ जाएगा आपको शॉर्ट टर्म की जो बात मैंने बोली है फ्रेंड्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म आप डिपेंड्स करेगा, मैं उसके लेवल्स आज तो डिस्कस नहीं करूँगा आपसे, क्योंकि आप अभी का जो टाइम चल रहा है ना, अभी का जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही ऑसम है। आप आराम से इसमें ट्रेड ले लो, शॉर्ट टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, और आप आराम से उसको फोकस करो, और जितना में आपको प्रॉफिट लेना है और आराम से वो प्रॉफिट लो और बाहर आ जाओ। ज़्यादा लालच नहीं करनी है, शेयर मार्केट अभी प्रॉफिट दे रहा है, सो हमें जस्ट प्रॉफिट लेके बाहर आ जाना है। सो दोस्तों, टेक महिंद्रा में हम फिर से आप ट्रेड लेने वाले हैं, और टेक महिंद्रा का जो ट्रेड होगा वो हमारा, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आज इसने आधा टाइम डाउन ट्रेंड दिखाया है, आधा टाइम अप ट्रेंड दिखाया है, फिर ये रेंज बाउंड हो गया है। सो जब ये इस रेंज को तोड़ेगा या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो हमें ये प्रॉफिट देने वाला है, इसलिए हमने इसको चुना है फ्रेंड्स। सो बाइंग लेवल है 1537, सेलिंग लेवल 1514, और 10 पॉइंट्स का टारगेट, सॉरी 10 टू 15 पॉइंट्स का टारगेट, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का। हमारा तीसरा जो स्टॉक्स होगा वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में लगातार हम ट्रेड कर रहे हैं और लगातार हमें ये प्रॉफिट दे रहा है फ्रेंड्स। और एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी शेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं या उनके लेवल्स डिस्कस करते हैं, उन पे ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि चैनल की जिम्मेदारी इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप अपना रिस्क रिवार्ड को समझें और तभी इसमें ट्रेड लें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर टाटा स्टील जैसा कि आज इसने हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिखाया है, करीब करीब 45 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट इसने दिखाया है, और जो इसका ट्रेंड था, ट्रेंड आप देखें तो ये डाउनवर्ड दिखाया है, फिर से यहाँ पर इसने थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाई है अपवर्ड, और फिर से ये डाउनफॉल गया है, और फिर से इसने एक स्टेबिलिटी दिखाई है अप की ओर। सो यहाँ पर आइदर ये इस लेवल के बाद, ठीक है, ऊपर की ओर जा सकता है या फिर नीचे की ओर ही जा सकता है। सो एनीवे, दोनों साइड हमारे लिए ये प्रॉफिट बनाकर देगा। सो हमने इस पर ट्रेड लेने का फाइनलाइज़ किया है और हम इसमें ट्रेड लेने वाले हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, सो हमारा लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है 1328 पे हम बाई कर लेंगे इसको, और सेलिंग का जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पर, अगर आप देखें तो सेलिंग का भी बहुत ही अच्छा लेवल निकलेगा, क्योंकि ये शेयर जो है ना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ही दे रहा है। तो जहाँ अच्छा परफॉर्मेंस है, जहाँ रैली है, जहाँ आपको शेयर जो हैं वो कैंडल्स जो हैं स्टेबल हो पा रहे हैं, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है इसको तो जाने में, क्या दिक्कत हो रहा है इसे। एनीवे, सेलिंग लेवल के लिए हम एक नया ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा सेलिंग लेवल हो जाएगा फ्रेंड्स ये बड़ी वाली कैंडल के आसपास कहीं पर यहाँ। सो ये हमारा सेलिंग लेवल हो जाएगा। सो 1308 इज़ आवर सेलिंग लेवल, एंड बाइंग लेवल 1328 का है हमारा, और हम जो इसमें स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 10 पॉइंट्स का लेके चलेंगे, और 10 से 15 पॉइंट्स का जो हमारा आपको इसमें स्टॉप लॉस रहेगा फ्रेंड्स। और अगला जो हमारा स्टॉक्स है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। ऑसम आज इसकी मूवमेंट रही है, एंड कोटक का क्या है ना कि कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर जब भी रैली दिखाता है तो ऑसम रैली दिखाता है, बहुत ही अच्छे मूवमेंट के साथ ही आगे की ओर बढ़ता है, या फिर जब गिरता भी है तो बहुत ही नीचे गिरता है। तो ये क्लियर
व्यू दिखाता है एक्चुअली स्टॉक्स, ठीक है। सो देखिए, जैसा कि मैंने कहा आपको, ऑसम बहुत ही अच्छा एकदम सुपर्ब आपको रैली वगैरह दिखा रहा है, और आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी ऑसम इसकी रैली है, मोमेंट है। डाउन यहाँ पर देखिए कितना रेंज बाउंड चला है, रेंज बाउंड चला है, रेंज बाउंड चला है, और जब ब्रेकआउट आया है फ्रेंड इस लेवल पे, ब्रेकआउट इस लेवल पे जब इसने दिया है अप्रॉक्सीमेटली 20,255 के लेवल पे, उसके बाद से यह डायरेक्टली 2,163 के लेवल पे आ चुका है, लगभग 2,153 के लेवल पे आ चुका है डायरेक्टली। इतना अच्छा ऑसम मोमेंट देता है, और इसमें मोमेंट अभी चल रहा है, रैली चल रही है। सो आप अगर देखें बिहेवियर को समझे, इस शेयर के बिहेवियर को समझा जाए, तो इसमें बहुत ही अच्छा आपको अभी मोमेंटम है, इसलिए हम इसमें ट्रेड करने वाले हैं। सो आइए चलिए इसके लेवल्स हम डिसाइड कर लें। सो लेवल्स हमारे होंगे इसमें जो हम ट्रेड लेने वाले हैं, वो है 2,163 के ऊपर हम इसे बाई करेंगे, और 2,142 के नीचे हम इसे सेल करने वाले हैं फ्रेंड्स। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट्स का हमारे टारगेट होंगे। उसके बाद फिफ्थ है हमारा ग्रासिम। ग्रासिम ओवरऑल हमारा बहुत ही अच्छा टारगेट अचीव करके दे रहा है हमें, ये पुराने दिन की है जिसे मैंने रिफ्रेश नहीं करा है। आप देखिए कितने अच्छे इसमें मोमेंट दिख रहा है होगा आपको, कि कितना अच्छा इसने दिखाया है रैली आज। ये देखिए, ये मोमेंट क्रिएट करते हुए ये जो है चेंजेस ला रहा है, अपने अपने पैटर्न में चेंजेस ला रहा है, और ब्रेकआउट की ओर आपको दिखा रहा है कि आप देखें यहाँ पर कितने अच्छे ब्रेकआउट की ओर ये जा रहा है। अब अगर चार्ट को देखें आप, तो ये ब्रेकआउट की ओर निकल रहा है। अब एक छोटा सा इसको जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है दिख रहा है, ठीक है, ये छोटा सा रेजिस्टेंस इसको हो सकता है इस लेवल पे, लेकिन अगर ये इस लेवल को आसानी से कल तो ऑब्वियस क्लियर करेगा ही करेगा, 1,765 के लेवल को, उसके बाद से ये भागेगा फ्रेंड्स, उसके बाद से ये बहुत ही ऊपर जाएगा। सो हम यहाँ पर जो अपना बाइंग लेवल रखेंगे वो कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास रखेंगे, और ताकि जब भी ये इसको क्रॉस करे हमें ये प्रॉफिट बना के दे। सो फाइनली हम जो अपना लेवल रखने वाले हैं वो इसी के ऊपर रखने वाले हैं। सो आइए चलिए चलते हैं, हमारा लेवल क्रिएट करते हैं जो कि हम इसके करीब करीब कहीं इसको क्रिएट कर पाएंगे। चार्ट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। हाँ, तो हमारा लेवल जो निकल के आया था फ्रेंड्स, ठीक है, 1,765 या 6,7 पे लेके चलेंगे बाइंग लेवल, और हमारा जो सेलिंग लेवल होगा, ठीक है, सेलिंग लेवल जो होगा वो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर इस लेवल के करीब करीब, तो बहुत ही सेफ है। यहाँ ये जो लेवल है, यहाँ हम इसको सेलिंग लेवल चलेंगे 45-44 के लमसम में हम इसको लेके चल रहे हैं फ्रेंड्स। सो 1,745 के लेवल पे हम इसे सेल कर रहे हैं, और जो हम इसे बाई कर रहे हैं वो है 1,767 के लेवल पे। 1,767 पे बाई के ऊपर बाई, और 1,745 के नीचे सेल। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 10 to 15 पॉइंट्स का टारगेट। और ग्रासिम ये हमारा पांचवा था, और इसके बाद हम देखने वाले हैं हैवेल्स, ठीक है। हैवेल्स में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो ठीक ही ठाक हमारा ट्रेड रहता है फ्रेंड्स, और अभी ये बहुत ही चर्चा में है ये स्टॉक्स, मैं बता दूँ ये स्टॉक्स बहुत ही अभी चर्चा में चल रहा है, बहुत ही अच्छे इसमें डिलीवरी हो रही है, और इसने डाउनफॉल दिखाया है फ्रेंड्स, ये थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, और हो सके तो ये आपको इस जो लेवल था इसका उसको अचीव करने की कोशिश करें, ये जो गैप है इस गैप को भरने की कोशिश करें, ये जो गैप है इसको भरने की कोशिश करें। सो ये यहाँ पर अपवर्ड्स भी जा सकता है, या फिर अगर ये नीचे की ओर इस लेवल तक भी आएगा आसानी से, सो इस लेवल तक को भी ये अचीव कर सकता है। सो यहाँ पर हम दोनों साइड के लिए बहुत ही अच्छा है ये, इसलिए इसे चुना है, और इसके जो लेवल निकल के आए हैं फ्रेंड्स, हम इसे बाय करेंगे अबव 1,300, सेल करेंगे बिलो 1,275 के। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा, 10 to 15 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे स्टॉक्स आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना के देंगे फ्रेंड्स, और जैसा कि मैंने बोला शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म में मैंने ये एक्चुअली लेवल्स वगैरह मैं इसमें डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, बट आप इसमें
इनके रैलीज़ को, मोमेंट को देखिए। आप इसमें एंट्री लेने की कोई समय नहीं होगी, आप एंट्री ले सकते हो और अपने सुविधा अनुसार 5 to 10 days के अंडर आप अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हो, या तो आप 1 से 2 दिन का ही जो प्रॉफिट है वो भी लेके निकल सकते हो। सो इसमें निकल के आ रहा है सबसे पहला ऑल इंडिया लिमिटेड, IRD इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, TCNS। TCNS को मैंने पहले भी दिया था शॉर्ट टर्म में, जिसने बहुत ही अच्छा हमारा टारगेट अचीव करके दे चुका है। पारस डिफेंस, पारस डिफेंस अभी जस्ट लिस्टेड कंपनी है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छा मोमेंट दिखा रही है। अगर एंट्री मिल जाती है इसमें तो ये बहुत ही अच्छे प्रॉफिट आपको बना के देगा, और इसमें मैं बोलूँगा कि आपको 5 to 10 days का नहीं, इसमें एटलीस्ट आप 15 days to 20 days रुके अगर शेयर गिरता है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब नई लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं तो उसमें बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, बहुत सारी बल्क में उठाया जाता है, और जब वो बल्क वाले लोग सेल करते हैं ना तो ये बस रेडी कैंडल दिखता है। सो उसमें डरना नहीं है, अगर दिखे तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनेगा। उसके बाद शॉपर स्टॉप अभी निकल के आ रहा है, क्योंकि मार्केट सारे खुल चुके हैं फ्रेंड्स, सारे मॉल्स वगैरह खुल चुके हैं, कोरोना का अब डर कम हो चुका है। लोग कहीं ना कहीं जो लोकल मैनेजमेंट हैं उन्होंने सारी कपड़े की दुकानें खोल ली हैं और लोग खुद शॉपिंग कर रहे हैं मोस्टली। अभी DP गया है, अभी दिवाली आने वाली है, शॉपिंग है शॉपिंग है। सो आप इसमें चलिए और अपना ट्रेड ले सकते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ आज का, यही शेयर्स के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और उससे पहले फिर से कहना चाहूँगा, जो नए हैं इस चैनल में, पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अपना इस वीडियो के लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में देखें, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उसके साथ आप जाते हैं तो आपको फ्री ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये जो सारे शेयर्स हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना के देंगे, और इसी उम्मीद के साथ आपका दिन कल शुभ हो इसकी शुभकामनाएं चैनल देता है। बाय बाय।